अल्लाह ताला ने एक कौम को, बड़े समझने वाली बात है, सिर्फ 23 साल का अरसा है, एंड इट इज नथिंग। यहाँ पे आज हम मुसलमानों को देखते हैं या आज हम के मामलात को देखते हैं तो लोगों ने सदियां लगाई हैं किसी इस्लाह के नाम पे, किसी जिहाद के नाम पे, किसी रियासत के नाम पे, किसी सियासत के नाम पे, किसी मूवमेंट के नाम के ऊपर लोगों ने सदियां लगाई, लेकिन उसके बाद भी उनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहे होते। उसके अंदर ना दो चीजें मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा जो है ना जिसके अंदर लैकिंग है। नंबर वन, दावत के अंदर बहुत बड़ी खामियां होती हैं, दाई के अंदर भी बहुत बड़ी खामियां होती हैं। मतलब अल्लाह के रसूल जो थे ना वो एक पैकेज थे बहुत बड़ा। अल्लाह के रसूल की वही से पहले की जिंदगी और अल्लाह के रसूल की वही की बाद की जिंदगी दोनों अपने कमाल की है। और जो खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से जो रिवायत भी आती है, जो आयशा रजी अल्लाह रिवायत करती हैं, जो पहली जो वही आई तो वो आके क्या कहती है, कल्ला ला युफ़्ज़िक अल्लाह अबदा, अल्लाह आपको हरगिज रुस्वा नहीं करेगा, आप तो जो है ना यतीमों का सहारा बनते हैं, आप तो सिला रहमी करते हैं, आप लोगों को कमा के देते हैं। जो हमने डिस्कस भी किया था कि सोशल वेलफेयर का इतना बड़ा अल्लाह के रसूल ने काम उठाया हुआ था, जब वही नाजिल नहीं हो रही, वही से पहले अल्लाह के रसूल की दुनिया के लिए ये खिदमात थी। और उनको दो बड़े लकब मिले थे उस जमाने के अंदर, एक है असादिक और दूसरा था अलमीन, जो कि उस दौर के अंदर बहुत ही ज्यादा रेयर थे, नादिर थे, मिलते ही नहीं थे लोगों में, ये दो एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अल्लाह के रसूल को ये दो अलकाबात, ये दो तमगा इम्तियाज है, मैं कहता हूँ, जो एक अल्लाह के रसूल के राइट पे लगा हुआ था, एक लेफ्ट पे लगा हुआ था, कि आप सादिक भी हैं और एक अमीन भी हैं। ये बड़े से बड़े कोई सरदार और कबीले का जो चीफ होगा उसको भी ये मकाम मर्तबा हासिल नहीं था जो अल्लाह के रसूल को वहां पे हासिल था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज हमारी जो बड़ी बड़ी अगर हम देखें ना मुसलमानों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी या और ममालिक के अंदर भी, एक तो बैलेंस ही नहीं मिल रहा, कहीं पे इल्म है तज़किया नहीं है, तज़किया है अमल नहीं है, तो कहीं पे आपको दो चीजें मिलेंगी, कहीं पे दावत कमाल की मिलेगी तो सियासत नहीं मिलेगी, सियासत मिलेगी तो रियासत नहीं मिलेगी, कहीं पे लोग इतने डोटोक हैं, मतलब अल्लाह के रसूल के जो मनूवर्स हैं, अल्लाह के रसूल की जो डिप्लोमेसीज हैं, मतलब वो आप उसको पूरा पढ़े, और सियासत और शरिया जो जिसके ऊपर बहुत हमारे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं इसके ऊपर, तो आपको बेसिकली वो लैकिंग मिलेगी कि आज अल्लाह के रसूल एक चीज 23 साल के अंदर कर गए और उसकी जो सस्टेनेबिलिटी भी वो भी इतनी कमाल की थी, आगे जो खुलफा ने उस लेगेसी को चलाया और आज तक वो चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बीज बोया था इस्लाम का, तौहीद का, ईमानियात का, अकायद का, इबादात का, आज तक वो सिलसिला टूटा फूटा है लेकिन वो रहेगा। और अल्लाह के रसूल ने कहा था कि ला यज़ार, हमेशा रहेगी एक कौम, एक जमात हमेशा ऐसी रहेगी जो उस उसूल के ऊपर, उस फंडामेंटल्स के ऊपर, उन फ्रेमवर्क्स के ऊपर, उन बिलीफ सिस्टम के ऊपर रहेगी।